हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आई न्यू डिज़ाइन का ब्लाउज। इस ब्लाउज के लिए मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था मैं इसे बनाकर दिखाऊं, तो आपके कहने पे मैंने बनाकर दिखाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। और ये पार्ट वन है ब्लाउज का, और पार्ट टू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये वाला ब्लाउज, और इसके लिए देखिए मैंने ये दो कलर लिए हैं, रेड और ब्लैक। इसमें मैंने पीच कलर और ब्लैक कलर लिया है, मैंने पीच कलर को चेंज करके ब्लैक कलर ले लिया है। और देखिए सबसे पहले मैंने इसमें 70 फंदे डाले हैं, 70 फंदे डालने के बाद एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाया है। और देखिए इसमें मैंने एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर बना लिया है 70 फंदे डालने के बाद। अब देखिए यहाँ पे मैं इस साइड हमारा सीधा है और इस साइड उल्टा है, अब मैं उल्टे साइड से इसमें 10 फंदे बढ़ाऊँगी, इसमें मैं 80 फंदे कर लूँगी। ये देखिए एक उल्टा एक सीधे का बनाया मैंने बॉर्डर, आप जो चाहें वो बना सकते हैं। बॉर्डर बनाते हुए मैं फंदे बढ़ाऊँगी, 10 फंदे बढ़ाऊँगी इस एक रो में, तो हमारे पास 80 फंदे हो जाएंगे। फंदे देखिए इस तरह से आप किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं इसमें फंदे, इस तरह से। और देखिए आगे मैं एक उल्टा एक सीधा बुन रही हूँ, 5-6 फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ा लूंगी, देखिए इस तरह से। ये देखिए एक फंदा और बढ़ा लूंगी इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से मैं इसमें पूरी रो में 10 फंदे बढ़ा लूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने ये रो निकाल ली है और इसमें हमारे पास 80 फंदे हैं, बॉर्डर में 70 थे और अब हमारे पास ये 80 फंदे हैं। और देखिए ये हमारी सीधी साइड है, अब देखिए यहाँ पे मैं छोटी वाली डिजाइन डालूंगी, तो उसके लिए देखिए ये मैंने सेकंड कलर अटैच कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा मैं ब्लैक से बुन लूँगी ये वाला, और ब्लैक धागे को इधर ऐसे दबा लूँगी और इस तरह से एक रेड से बुनूंगी, वापस इसको इस तरह से पकड़ लूँगी, उसके बाद इस तरह से एक ब्लैक और एक रेड। इस धागे को मुझे इधर ही रखना है और इस फंदे को थोड़ा सा लूज बनाना है कि एक ब्लैक बना लेंगे, उसके बाद इस धागे को इधर दबा लिया, उसके बाद इससे रेड से बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से अब ये रो में कंप्लीट करके, ये देखिए मैंने लास्ट तक इसी तरह से बुने हैं एक फंदा इस तरह से। और अब देखिए मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, तो देखिए उल्टी साइड से मैं सीधा बुनूंगी इधर से, और देखिए इस तरह से जो ब्लैक है उसको मैं ब्लैक बुनूंगी, और जो रेड है देखिए इसको दबा लूंगी धागे को पहले मैं इस तरह से फिंगर से, उसके बाद इसको बुनूंगी, फिर देखिए इसको दबाऊंगी ऐसे और इस तरह से बुनूंगी इसको इधर से ऐसे। ये देखिए ऐसे दबाते जाएंगे और रेड से रेड बुनते जाएंगे, ब्लैक से ब्लैक। ये देखिए इस तरह से इसको, ये देखिए बन गई है इस तरह से छोटी, इस तरह से बना के इसको कंप्लीट। ये देखिए मैंने छोटी वाली डिज़ाइन बना के ये कंप्लीट कर ली है, और अब देखिए यहाँ से मैं एक रो इस तरह से सीधी बुनूंगी। पूरी रो सीधी बना लूंगी इधर से, ये देखिए एक रो मैंने इधर से सीधी बुन ली है, अब इधर से भी उल्टे साइड से भी मैं इसको सीधा बुनूंगी एक रो,
यहाँ से देखिए इस तरह से ऐसे धागा आगे करके सीधे बुन लूँगी उल्टे साइड से भी कंप्लीट करूँगी इसे। ये देखिए अब इसमें मैं ये फ्लावर वाली डिज़ाइन डालूँगी, तो फ्लावर इसमें हमारे 11 पड़े हैं टोटल इसमें, और ये 6 के मल्टीपल से पड़ते हैं। 66 फंदे मुझे इसके लिए चाहिए और बचे फंदे हमारे पास यहाँ पे 7, तो 7 फंदे मैं यहाँ बुन लूँगी और 7 फंदे मैं इधर बुन लूँगी और 66 फंदे में ये फ्लावर डालूँगी। ये 6 के मल्टीपल से है तो ये इसमें इस तरह से देखिए। और अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो ये हमारे में 11 पड़े हैं, आप इसमें 13 डाल लें, और ये अपोजिट ही पड़ते हैं, पेयर के हिसाब से नहीं पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 7 फंदे इस तरह से रेड बुन लूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 7 हो गए। एक फंदा इसको मैं इस तरह से उतार लूँगी, स्लिप कर लूँगी। अब देखिए यहाँ से मैं इस तरह से दो बार घुमाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे मैंने दो बार घुमाते हुए बुन लिए, एक इसको स्लिप कर लिया। देखिए फिर मैं 5 फंदे बुनूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बुनने के बाद एक फंदा स्लिप कर लूँगी। ये देखिए लपेटते हुए बुनूँगी मैं इनको दो बार, 1, 2, 3, 4, 5, एक को स्लिप कर लूँगी। अब देखिए इस रो को मैं यहाँ 7 फंदों तक बुन लूँगी, उसके बाद मैं दिखाऊँगी लपेटते हुए। ये देखिए मैंने यहाँ तक ये दो बार लपेटते हुए बुने हैं, और ये देखिए यहाँ पे 7 फंदे सिंपल बुनूँगी मैं बिना लपेट के सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 7 फंदे बुनने के बाद इसको मैं पलट लूँगी। अब देखिए उल्टे साइड आ गए हैं, एक फंदा मैं उतार लूँगी ऐसे धागा आगे करूँगी और इन फंदों को सीधा बुन लूँगी, 7 फंदों को उल्टे साइड से। ये देखिए धागा वापस आगे कर लूँगी इधर, और इस फंदे को स्लिप वाले को मैं स्लिप कर लूँगी, और देखिए जो ये 5 फंदे हैं इनको मैं खोल लूँगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और देखिए इस तरह से इसमें देखिए एक बार बुनूँगी। ये देखिए वापस धागा इस तरह से वापस बुनूँगी, देखिए यहाँ से ये देखिए 3 फंदे हो गए, ये देखिए एक ये फंदा आ गया इस पर, वापस धागा इधर करूँगी और देखिए फिर इस तरह से बुनूँगी। ये 5 फंदों से मुझे 5 फंदे बनाने हैं, देखिए 3, 2, 5, इस फंदे को मैं स्लिप कर लूँगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और देखिए इस तरह से देखिए एक बना लिया, धागा इधर किया वापस बनाया, तो ये देखिए यहाँ से एक फंदा बढ़ गया, 3 हो गए। देखिए इधर किया धागा वापस बनाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे इस तरह से, देखिए फिर इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी और इन 5 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी। ये देखिए अब मैंने ये रो पूरी कर ली है, और देखिए डिजाइन भी इस तरह से। अब देखिए यहाँ से मैं ब्लैक कलर लगाऊँगी, तो देखिए इन फंदों को मैं सीधा बुनूँगी, पूरी रो इधर से मैं सीधी बुनूँगी। ये देखिए इन फंदों को देखिए इस तरह से एक एक करके 5 फंदे बुन लेंगे, तो देखिए इस तरह से सारे फंदे इस तरह से इसको बुन लेंगे और इस फंदे को भी बुन लेंगे स्लिप वाले को। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इस रो को देखिए इसी तरह सीधा बना देंगे।
ये देखिए मैं लास्ट तक इसको सीधा बुन लिया है इस तरह से। देखिए अब देखिए उल्टे साइड से भी इसको सीधा बुनूंगी, एक फंदा उतार के धागा पीछे करूंगी और इस तरह से इसको देखिए सीधा बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। ये देखिए अब मैं यहाँ से ये रेड कलर लगाऊंगी। दो दो रो की डिजाइन पड़ती है, दो रो इसकी निकलती है ब्लैक की, दो रेड की। और देखिए अब मैं फिर रेड कलर लगाऊंगी यहाँ से इस तरह से। पूरी रो इस तरह से देखिए यहाँ तक। अब देखिए ये देखिए अभी मैंने यहाँ से फ्लावर स्टार्ट किया था, अब इसमें से मैं तीन फंदे प्लेन बुन लूँगी। देखिए ये जब डिजाइन इस तरह से आएगी इधर को और ये फ्लावर कम होते जाएंगे इस तरह दोनों साइड से, इसी तरह से होता है। ये देखिए यहाँ से मैंने पहले स्टार्ट कर लिया था इस फंदे से, अब देखिए इस फंदे को मैं इस तरह से प्लेन बुन रही हूँ दो, और यहाँ पे देखिए तीन फंदे में इस तरह से प्लेन बुन लूँगी। बीच वाला फंदा जो है इसको मैं स्लिप करूँगी। अब देखिए मैं यहाँ से फ्लावर स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैंने यहाँ से किया था। ये देखिए इधर को फंदे अब जा रहे हैं बढ़ के, ये ऐसे इधर को आ रहे हैं, ये स्लिप कर लिया। उसके बाद मैं इस तरह से इसको लपेट के बुनूंगी, पांच फंदे लपेटूंगी। ये देखिए अब देखिए बीच में फ्लावर पड़ रहा है इसके, ये देखिए ये बीच वाला फंदा जो है इसको मैं स्लिप कर लूंगी। देखिए एक दो तीन चार पाँच, इसको स्लिप कर लूँगी। अब देखिए मैं यहाँ तक बुनूंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी इसी तरह से मैं इधर करूँगी। ये देखिए लास्ट में भी मैं इधर से ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो मैं तीन फंदे ये प्लेन बुनूंगी। अभी देखिए यहाँ से मैं इसको एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए ये बीच वाला फंदा इसका मैं स्लिप कर रही हूँ, और देखिए इसके ये तीन फंदे प्लेन बन जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्लावर्स, अब देखिए इधर को इस साइड से इधर को आएगा, इस साइड से इधर को आएगा, दोनों साइड से ये फंदे मैं प्लेन बुन लूँगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लूँगी धागा पीछे, इन फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। ये देखिए धागा इधर करूंगी, इसको स्लिप कर लूंगी, और देखिए इस फ्लावर को एक बार और बता दे रही हूं मैं, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे खोलने के बाद इस तरह से देखिए एक बार बुनेंगे, इसको निकालेंगे नहीं, वापस धागा यहाँ से, ये देखिए फंदा बढ़ गया, ये तीन फंदे हो गए, वापस धागा इधर किया और ये पांच फंदे हो गए, एक पांच फंदों से पांच फंदे, इस फंदे को स्लिप कर लूँगी, रो कम्प्लीट। ये देखिए अब मैं यहाँ से ब्लैक कलर लगाऊंगी, और देखिए एक एक फंदा घटाऊंगी भी हर सलाई पे, इस साइड से देखिए एक फंदा ये दो का एक कर लूँगी मैं इस तरह, और इसको मैं सीधा बुन जाऊँगी, पूरी रो सीधी बुनूंगी। ये देखिए मैंने लास्ट तक इसको बुन लिया है इस तरह से, और देखिए लास्ट में भी मैं दो का एक करूंगी इसी रो में, देखिए मैंने इधर किया था उसी रो में मैं इस साइड में दो का एक कर दूंगी ऐसे। ये देखिए यहाँ से मैं फंदे घटाना स्टार्ट कर रही हूँ, और देखिए इधर से मैं इस रो को सीधा बुन जाऊँगी जिस तरह से मैं बुनती आ रही हूँ इस तरह से, इस रो को कंप्लीट करो। ये देखिए अब मैं यहाँ से फिर एक फंदा घटाऊंगी, ये देखिए उल्टी रो पे कोई फंदा नहीं घटता, जब मैं सीधी रो पे आती हूँ तो एक फंदा घटा देती हूँ इस तरह से, देखिए वापस धागे को पीछे कर लूंगी, और देखिए इन फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। ये देखिए पहले यहाँ से था, ये देखिए एक तीन तीन फंदे करके इधर को इस तरह से करते जाएंगे। अब देखिए एक दो ये तीन,
अब देखिए यहाँ से ये वाला फंदा उतार लेंगे। अब देखिए ये इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे बीच में डालूंगी डिजाइन में, ये वाला फंदा उतारूंगी बीच वाला इस तरह से। यहाँ पे दो फंदे होने चाहिए, ये दो इधर के दो इधर के, पांच फंदा पड़ती है, ये वाला उतार लेंगे और देखिए इस तरह से इनको लपेट के बुन लेंगे। चार पांच, देखिए एक स्लिप कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से मैं एक एक फंदा दोनों साइड घटाते जाऊंगी और देखिए इनको इस तरह से ये डिजाइन डालते जाऊंगी। जिस तरह से ये कम करते जाएंगे, एक फंदे ये लास्ट एक फ्लावर रह जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी, सेम तरीका यही रहेगा, इसी तरह से मैं बनाऊंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से ये एक तक बना लिया, लास्ट में देखिए मेरा एक फ्लावर ये रह गया है इस तरह से आते आते। और अब देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक बना लिया, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच रो में बनाऊंगी और देखिए फंदा दोनों साइड से एक एक घटता रहेगा। अभी तक मैं एक एक फंदा घटाते आ रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांच रो ब्लैक की इस तरह से ये पांच रो डालनी है, तीन इसकी और दो उसकी, टोटल पांच रो बनानी है इस तरह से। इधर से सीधा बुनेंगे, उधर से भी सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये फंदा घटता रहेगा दोनों साइड से। ये देखिए यहाँ से घटाते हुए आ रही हूँ एक एक फंदा, ये देखिए दोनों साइड से। और ये देखिए इसी तरह से मैं इसमें ये पांच रो डाल लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने पूरी यहाँ पे ये दो चार छः, ये छः रो डाल ली है, एक पहले से डाल ली थी, पाँच फिर डाली हैं। और अब देखिए मैं यहाँ से इसका ये गले के लिए जो बॉर्डर बना है इसको बनाऊँगी। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर लगाऊंगी, अब रेड का कोई काम नहीं है इसमें। इस तरह से सीधा बुन लूंगी उल्टे साइड से, इसको एक उल्टा एक सीधा बुनूंगी। इस रो में मैंने कोई फंदा नहीं घटाया, इस रो को कंप्लीट कर। ये देखिए मैंने एक रो निकाल ली है और देखिए इसमें हमारे पास 32 फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये देखिए 16 × 32, ये 32 फंदे हमारे पास हैं। अब इनको मैं यहाँ से ये देखिए एक फंदा उल्टा बुन लूँगी, धागा पीछे करूँगी, एक फंदा सीधा, वापस धागा इधर, एक फंदा उल्टा और एक सीधा। देखिए इसी तरह से इसका बॉर्डर बुनूँगी मैं, एक उल्टा और एक सीधा। ये देखिए एक रो पूरी कर ली है। अब देखिए इधर से जो उल्टा है उसको उल्टा बुनूँगी, जो सीधा है उसको सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। ये देखिए इसी तरह से मैं इसका बॉर्डर इतना चौड़ा बनाऊंगी, करीब ये एक इंच होगा, इतना बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसमें इतना बॉर्डर बना लिया है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो। अब देखिए उल्टे साइड से इसको उतार देंगे, दो का एक करते हुए इस तरह से, इसको थोड़ा टाइट उतारना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है इस तरह से। ये देखिए इसको उतार लेंगे और इसी तरह से मैं एक पल्ला और बनाऊंगी, सेम पल्ले बनेंगे इसके दो पल्ले, सेम इसी तरीके से बनाऊंगी। देखिए इसमें भी इसी तरीके से दोनों साइड एक जैसा है, किधर भी आप पहन लीजिए, दोनों बना के उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप। ये देखिए मैंने एक ये शोल्डर बना के कंप्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ से देखिए दूसरा बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी, देखिए ये छह रो छोड़ दूंगी, पांच जहाँ से मैंने ये फंदे घटाए थे वहाँ से मैं फंदे उठा रही हूँ। देखिए इतना ये मैं छोड़ रही हूँ और देखिए यहाँ से मैं इस तरह से पास पास में फंदे उठाऊंगी इसके, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ये देखिए इसी तरह से मैं यहाँ तक इसमें 52 फंदे उठा लूँगी और उसके बाद मैं आगे दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने इसमें 52 फंदे उठाए हैं और अब देखिए यहाँ पे मैं 44 फंदे बढ़ाऊँगी। ये देखिए इस तरह से ये शोल्डर के लिए मैं 44 फंदे बढ़ाऊंगी यहाँ पे,
और 52 ही इधर से उठा लूँगी। तो ये यहाँ पे मेरे पास टोटल 148 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे 44 फंदे बढ़ा लूँगी, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 6, यहाँ पे मैं 44 फंदे बढ़ा लेती हूँ।